खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां चित्तौड़गढ़ कैलाश नगर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल पर चलते हुए दो पहिया वाहन पर रेकी करते उचके 25 लाख रुपए नकदी भरा बैग छीन कर ले भागे हैं। गौरतलब है कि 111 कैलाश नगर चामटी खेड़ा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले बसंती लाल जैन पुत्र भेरूलाल जैन निवासी नेतावलगढ़, जिनका की चित्तौड़गढ़ में शमशान के पीछे अनाज गोदाम एवं एक दुकान किराए पर ली हुई थी, आज दोपहर 2 बजे एक्सिस बैंक में रुपए निकालते हुए पहुंचे। 2 बजे लंच होने के कारण पुणे एक्सिस बैंक में 3 बजे नकदी निकालने पहुंचे। लगभग 3:10 पर उन्होंने नकदी निकाल ली। उसी दौरान उनकी रेकी करते हुए उनके निवास स्थान कैलाश नगर पर एक शख्स पहले से मौजूद होकर उनके घर के बाहर रोड पर खड़ा हुआ था, जो बसंती लाल जैन की गाड़ी के आगे खड़े होकर मोटरसाइकिल को रुकवाया। मोटरसाइकिल के सामने आने से बसंती लाल ने गाड़ी रोक दी, जिससे पीछे से आ रहे उचके लुटेरे दो बाइक सवार ने उनका चाटा मारा, जिससे उनका सामान व चश्मा एक एंड्रॉइड मोबाइल नीचे गिर गया। नीचे खड़ा लुटेरा व दो बाइक सवार ने 25 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर मोबाइल व चश्मा उठाकर बाइक पर बैठकर भाग खड़े हुए। बसंती लाल मौके की नजाकत को समझ पाते एक मोटरसाइकिल पर बैठे दो उचके बसंती लाल जैन की मोटरसाइकिल के पास पहुंचे और उन पर चाटा मार कर प्रहार किया, जिससे कि बसंती लाल जैन हौच पोच हो गई और उनका पहना हुआ चश्मा नीचे गिरा। उसके पास रखा हुआ एक मोबाइल भी नीचे जा गिरा। इससे पहले कि बसंती लाल जैन कुछ समझ पाते, मोटरसाइकिल पर सवार दोनों उचके तीसरे उचके को अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर बसंती लाल जैन के मोटरसाइकिल पर रखा 25 लाख नकदी से भरा बैग ले उड़े। चित्तौड़गढ़ की चौक चौबंद पुलिस मौके पर पहुंची। बसंती लाल जैन ने डीएसपी प्रशिक्षु आरपीएस राजेश कुमार को बताया कि वारदात का समय लगभग 3:39 रहा था। बसंती लाल जैन नेतावलगढ़ पांचली के मूल निवासी होकर अनाज व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से 111 कैलाश नगर चित्तौड़गढ़ पर किराए के मकान में निवास कर रहे हैं। बसंती लाल जैन ने बताया कि व्यापार व्यवसाय में नकदी की आवश्यकता होने से वह आज अपने एक्सिस बैंक में खाते से रुपए लेकर घर पर आ रहे थे, जिनका की चुकारा बाजार में किया जाना था। जिले के मुस्तैद चौक चौबंद पुलिस ने आसपास की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तलाशने चालू कर दिए, लेकिन जैन का मोबाइल प्लस हॉस्पिटल के बाहर से मिला, लेकिन खबर लिखे जाने तक और किसी भी प्रकार का सुराग हाथ नहीं लगा और किसी भी प्रकार का संदिग्ध पकड़ा नहीं गया।